सिनेमा के दिग्गज एक्टर दिलीप कुमार का मुंबई के पाली हिल वाला बंगला एक बार फिर से सुर्खियों का हिस्सा बन गया है। कई सालों तक केस चलने के बाद एक्टर के बंगले को अब तोड़कर एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाने की प्लानिंग चल रही है। जी हां, रिपोर्ट्स की माने तो दिलीप कुमार के आधे एकड़ एरिया में फैले आलिशान बंगले को तोड़कर 11 मंजिला रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाने का प्रस्ताव है। उसमें दिग्गज एक्टर की याद में एक म्यूजियम भी बनाया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दिलीप कुमार की पाली हिल स्थित प्रॉपर्टी पर कई सालों तक केस चला था। दिलीप कुमार के परिवार से ऐसा दावा भी किया गया था कि किसी बिल्डर ने उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है और फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी तैयार कर लिए हैं। लेकिन कई सालों तक केस चलने के बाद 2017 में दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानो को प्रॉपर्टी वापस मिल गई थी। खबरों की माने तो दिलीप कुमार का परिवार अब पाली हिल वाली प्रॉपर्टी को एक आलिशान प्रोजेक्ट में तब्दील करना चाहता है। साथ ही साथ 11 मंजिला रेसिडेंशियल बिल्डिंग में दिलीप कुमार की याद में एक म्यूजियम बनाने की परमिशन दिलीप कुमार की फैमिली की तरफ से भी मिल गई है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद करीब 900 करोड़ का रेवेन्यू होगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दिलीप कुमार ने ये बंगला साल 1953 में एक शख्स से 1.4 लाख रुपए में खरीदा था। बता दें कि एक्टर दिलीप कुमार 7 जुलाई 2021 को इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। जब दिलीप कुमार का निधन हुआ तब उनकी उम्र 98 साल थी। आपने दिलीप कुमार की कौन सी फिल्म को देखी है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।